हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अभिषेक में। और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का, जो अभी 2019 में एग्जाम हुआ है आपका 2019 में। तो टोटल डिस्कशन करेंगे इसकी मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ को, और ये भी डिस्कस करेंगे इतनी कम कट ऑफ इस बार क्यों हो रही है। नॉर्मलाइजेशन होगा, पेपर भी आपका काफ़ी टफ था, और इस बार जो आपके फिजिकल के लिए स्टूडेंट होंगे बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में क्वालिफाई किए जाएंगे, क्योंकि आपको जैसे जानते हैं प्रीवियस जो वैकेंसी थी उसमें बहुत सारे 2 से 3 बार स्टूडेंट को कंटिन्यू बुलाना पड़ा इनको पूरी भर्ती करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ें बारी बारी से डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर ले, ताकि सारी वैकेंसी की अपडेट्स, न्यू नोटिफिकेशन, जो भी चीज़ होती है सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में प्रोवाइड की जाती है। तो इसके अपडेट्स के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर ले। चलिए फ्रेंड फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की इस बार की वैकेंसी के बारे में, फुल डिटेल्स को थोड़ा सा जो भी आपको ओवरव्यू दे देते हैं। टोटल पोस्ट फ्रेंड्स इस बार जो थी वो आपके 49,568 थी, ठीक है। इसमें जो बार बार लोगों को वो आता है कि सर कितने स्टूडेंट हैं, ये है वो है, तो फ्रेंड्स मेनली जान लीजिए आप सिविल के स्टूडेंट के लिए आपके 31,360 पोस्ट हैं। फीमेल के लिए ये रिजर्व सीट होती है फ्रेंड्स 6,100, ठीक है। रिजर्व पोस्ट जो है वो का आपका 18,200 है, और ये केवल मेल के लिए होती है, जैसे आपके विकलांग कोटे के हो गए, ठीक है फ्रेंड। और ये सब सारी चीज़ें जितने कैंडिडेट्स होते हैं, और एक्स आर्मी के लिए जो भी है, ठीक है। अपीयर कैंडिडेट्स इस बार पिछली बार की अपेक्षा बहुत ही कम स्टूडेंट अपीयर हुए, क्योंकि पिछली बार कम से कम 18 से 20 लाख के बीच में थे। इस बार फॉर्म तो आपका 18 लाख के आसपास में भरा गया था, बट अपीयर कैंडिडेट्स या जितने UPPR PB के थ्रू जितने कैंडिडेट्स को आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ था वो 15 से 16 लाख ही बच्चे थे। तो कुछ ये बहुत सारे माइनर फैक्टर है जिसकी वजह से आपकी इस बार कट ऑफ कम होने वाली है, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे स्लाइड पे बढ़ते हैं। फ्रेंड यहाँ पे कुछ हम इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी वैकेंसी में, इस बार की वैकेंसी में जो कट ऑफ कम जाने वाला है, ठीक है फ्रेंड। जैसा कि आप जानते हैं पिछली बार की वैकेंसी जो 2018 में वैकेंसी आपका 41,000 समथिंग था, ठीक है, 41,000 प्लस था, बट इस बार की वैकेंसी आपकी 49,568, नियर अबाउट ऑफ 50,000 के आसपास में मांग सकते हो। पिछली बार से 8 से 9 हज़ार वैकेंसी टोटल आपकी क्या है, ज़्यादा है। समथिंग एक्स्ट्रा आपके आप ये भी देख सकते हो कि जो पोस्ट है, जो आपकी फॉर्म भरे गए हैं, इस बार केवल 50 से 60 लाख एक्सपीरियंस आपके अपीयर हुए हैं। साथ ही साथ और जो प्रीवियस वैकेंसी थी आपकी, ठीक है, पुराने से मतलब 2018 की वैकेंसी थी, उसमें नियर अबाउट 18 से 20 लाख कैंडिडेट्स को वो किया गया था, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जैसा कि आप जानते हैं जो 2018 की वैकेंसी थी उसमें फिजिकल के लिए 1.5 टाइम्स मतलब 1.5 गुने बच्चों को बुलाया गया था, और फ्रेंड जैसा कि आप जानते होंगे केवल उससे 24,000 स्टूडेंट को ही सेलेक्ट कर पाए थे। फिर से उन्होंने 40,000 लोगों को बुलाया था, 40,000 एस्पिरेंट्स को बुलाया था, और फिर से इनका फिजिकल वगैरह करवाया गया। इसलिए फ्रेंड इस बार जो चांसेस है वो इस बार चांसेस ये है कि इस बार 2019 में आपके कम से कम 2.5 से 3 गुने स्टूडेंट बुलाए जाएंगे, ठीक है। तो इस बार जो कट ऑफ होगी वो कम जाने के चांसेस है, और साथ ही साथ पेपर का मीडियम काफ़ी हार्ड था, और इस वजह से नॉर्मलाइजेशन का जो मार्क्स होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा वो बहुत ही ज़्यादा आपको मिलने वाला है पिछली बार की तरह। और सारे शिफ्ट 27 को छोड़ के, मॉर्निंग शिफ्ट को छोड़ के, सारे शिफ्ट का नियर अबाउट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन टफ था। और फिलहाल हम डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में सारे इंपॉर्टेंट चीज़ को। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पर, यहाँ से देख लेते हैं फ्रेंड्स आपके एग्जाम मोड को, ठीक है। जो GK का क्वेश्चन था आपका इजी टू मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चन काफ़ी आसान थे, एज यू नो कि जैसे यूपी पुलिस में दौड़ वगैरह के पूछ ली थी, आपके गवर्नर वगैरह पूछ लिए गए थे, यूपी के गवर्नर पूछ लिए गए थे, कुछ इंपॉर्टेंट मतलब आसान से बहुत सारे मैं शिफ्ट का मिला के बता रहा हूँ, ठीक है। और लेकिन काफ़ी क्वेश्चन आपके हार्ड भी थे जो काफ़ी लोगों से नहीं हुआ। हिंदी का क्वेश्चन इसमें जो लोगों को देखने को मिला सबसे आसान था, सब लोगों को जो सबसे आसान चीज़ लगी वो हिंदी लगी थी। रीजनिंग के क्वेश्चन फ्रेंड मॉडरेट टू टफ था, ठीक है, मध्यम से काफ़ी टफ था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन टाइम टेकन थे, पेज पेज भर भर के क्वेश्चन आपके यहाँ पूछ लिए गए थे, जैसे आपके कंक्लूजन वगैरह थे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, तो उसमें ज़्यादा अटैम्प्ट लोगों का नहीं पाया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा जो टफ लगा स्टूडेंट को, इस बार की मैथ लगी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मॉडरेट टू टफ मैं भी मान के चल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट की 18 से 20 के बीच में ही अटैम्प्ट रह पाए, इससे ज़्यादा अटैम्प्ट मैंने किसी का नहीं देखा, इसके नीचे ही सब अटैम्प्ट में, जो कुछ लोगों का है, ठीक है, जिनका मेल के थ्रू और कम्युनिटी टैब पर पूरा वो आया है, तो उसके
फ्रेंड मैं ये पूरा एनालिसिस करता हूँ, ठीक है फ्रेंड। अब फाइनली हम डिस्कस करेंगे अपने कट ऑफ एनालिसिस को, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, ठीक है। मोस्ट स्पेसिफिक कट ऑफ के पेज पे हम पहुँच चुके हैं, स्लाइड पे पहुँच चुके हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे दिखाएंगे, सबसे पहले तो आप पहले पूरी वीडियो देख लो, बिना वीडियो देखे आप बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर इतने पे हो जाएगा इतने पे हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये फुल एनालिसिस आप समझ लो फ्रेंड्स। ये जो भी कट ऑफ डिस्कस किया है मैंने, ये आपके प्लस माइनस फाइव का डिफरेंस हो सकता है, 185 भी हो सकता है, 175 भी हो सकता है, 160 भी हो सकता है, इनके कट ऑफ के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। और साथ ही साथ आपको मिलने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन मार्क, ये अपने ध्यान में रखिएगा फ्रेंड। अगर आपका कुल मिला के इतना आ रहा है तो ठीक है, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के थ्रू आपके नंबर बढ़ने वाले। साथ ही साथ जो क्वेश्चन दो से तीन क्वेश्चन आपको अभी रॉन्ग मिले हैं, तो फ्रेंड्स इस पर ज़्यादातर यूपी पीआरपीवी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी, वो ऑफिशियल यूपी गवर्नमेंट के थ्रू आपके नंबर बढ़ जाते हैं। बट अगर आपको आपत्ति दायर करने का मौका मिलता है तो ज़रूर इस पर आपत्ति दायर करें, क्योंकि जिन लोगों ने आपत्ति दायर की होती है ज़्यादातर उन्हीं के चांसेस होते हैं मार्क्स बढ़ने के, ठीक है फ्रेंड। तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से जो जनरल की कट ऑफ है मैंने बताई एक्सपेक्टेड की है 190 प्लस, अगर आपका 190 के आसपास आ रहा है, 185 भी आ रहा है तो भी आपका सिलेक्शन है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्लस माइनस फाइव कर दिया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वैकेंसी ओबीसी का जो कट ऑफ होगा वो 180 के आसपास में रहेगा, ठीक है, थोड़ा इससे ज़्यादा ही होगा, इससे कम आप 175 मान सकते हो, लेकिन अगर इससे ऊपर आ रहा है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी वालों का कट ऑफ जो है फ्रेंड थोड़ा सा डिक्रीमेंट पे रहता है, 165 प्लस 160 भी आ रहा होगा तो हो जाएगा इनका सिलेक्शन। एसटी के कैंडिडेट्स को मैंने जो कट ऑफ रखी 155 है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 170 से 180 के बीच में, बिकॉज ऑफ फ्रेंड 6100 इनकी रिजर्व सीट है, और इनकी कट ऑफ ज़्यादातर ओबीसी कैंडिडेट, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के ओबीसी कैंडिडेट्स के आसपास में रहती है, ठीक है फ्रेंड। तो इनके इसी सीट के अकॉर्डिंग होगा, इनका कैटेगरी वाइज डिवीज़न नहीं होता, ठीक है। और फीमेल जो थी बता दिया मैंने, एक्स सर्विस मैन की जो कट ऑफ होगी, ठीक है फ्रेंड्स, वो होगी आपकी 80 to 100 के बीच में, ठीक है, क्योंकि इनका थोड़ा सा मैंने इसलिए गैप ज़्यादा किया क्योंकि इनको ज़्यादा वो दी जाती है, तो इनके बीच में जो लाइज करते हैं उनका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है फ्रेंड। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता दें कि आपका जो माइनस मार्किंग थी, बहुत सारे लोगों ने गलत माइनस मार्किंग आपकी 1/4 थी, डेट्स मीन आपका जो वो होगा आपका 0.5 मार्क्स कटेंगे, ठीक है, 0.5 मार्क्स कटेंगे एक क्वेश्चन गलत होने पे, तो 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग थी। दैट्स द थिंग, आपकी फुल एनालिसिस थी फ्रेंड्स। आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप सारे मार्क्स बता सकते हो, कैटेगरी बता सकते हो, और डेट भी बता सकते हो कि कौन से डेट को आपका एग्जाम था और कितना, क्योंकि फ्रेंड डेट वाइज भी आपका जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होगा और पेपर की कंडीशन के अकॉर्डिंग कितना टफ था उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स पड़ने वाले हैं। तो फ्रेंड ये था हमारा वीडियो, पूरा फुल एनालिसिस थी फ्रेंड। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और कंटिन्यू बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ लेटेस्ट सारे अपडेशन के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।